हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि अनचाहे गर्भ से बचने के लिए और यौन संबंध बनाते समय संक्रमण से और बीमारियों से बचने के लिए हम गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्भ निरोधक गोली के भी कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा या फिर बहुत ही चीप ब्रांड की गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। पॉइंट नंबर वन है सिर दर्द और माइग्रेन। क्या आपने कभी सुना है कि यदि आप गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं या फिर किसी घटिया क्वालिटी की गर्भ निरोधक गोली को खा लेते हैं तो उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। जी हाँ, अक्सर आपने ऐसा फील भी किया होगा। अगर आपने गर्भ निरोधक गोली का सेवन किया है तो आपने भी ये फील किया होगा कि अक्सर उसका सेवन करने के बाद माइग्रेन या फिर सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अनचाहे गर्भ से बचने के लिए आप कॉन्डम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू है मतली, यानी कि उल्टी के आना। इस तरीके की दवाइयों को खाने के बाद कई बार उल्टी की शिकायत बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर थ्री, यदि महिलाएं जरूरत से ज्यादा इन दवाओं का सेवन कर लेती है तो उनके ब्रेस्ट में काफी ज्यादा कड़ापन आ जाता है और उसकी शेप भी कुछ दिनों के लिए बिगड़ जाती है। टिप नंबर फोर, अगर आपने अपनी गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल पीरियड्स आने से कुछ दिनों पहले ही किया है तो आपकी ब्लीडिंग काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग भी इसका ही एक साइड इफेक्ट है। टिप नंबर फाइव, अगर आप जरूरत से ज्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत को काफी बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से कई बार वजन बढ़ने की समस्या भी हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आप अनचाहे गर्भ से या फिर यौन संबंध बनाते समय संक्रमण से बचना चाहते हैं तो आप गर्भ निरोधक गोली का सेवन जरूरत से ज्यादा मत करिए। आप चाहे तो कॉन्डम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।